भाजपा जदयू के कुराज में बलात्कारियों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। कुशासन में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी आबरू बचाने की हो गई है। दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार मासूम की हत्या करने के बाद गैंगरेप किया। नीतीश कुमार के सुशासन के दावे हवा हवाई हो गए। बिहार में कानून व्यवस्था का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। नीतीश बीजेपी के गुंडा राज में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बक्सर में 5 साल के बेटे की हत्या के बाद महिला को बंधक बदमाशों ने गैंग रेप किया। बक्सर जिले के एक गांव की महिला अपने 5 साल के बेटे के साथ बैंक में रुपये जमा करने जा रही थी। दरिंदों ने महिला के मासूम बेटे की हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया। इसके बाद महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दरिंदगी की हदें पार करते हुए गैंग रेप किया। बिहार की बात करेंगे, जहां के बक्सर में दिन दहाड़े हुए खौफनाक वारदात से सनसनी फैल गई है। अपने ही बच्चे के साथ बैंक जा रही एक महिला के साथ अपराधियों ने गैंगरेप किया, फिर मां बेटे को नदी में फेंक दिया जिसमें बच्चे की जान चली गई। देश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध बिहार में होते हैं। कुर्सी कुमार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय सत्ता की चिंता में लगे रहते हैं। जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, उस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा बिहार। बदल डालो ऐसी निरकुंज सरकार।